हाय गाइस, सो आज मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। अभी जो है मेरी ट्रेन अजमेर से जम्मू तवी तक है और ट्रेन का नेम है गरीब रथ। ये ट्रेन जो है 7:45 यहाँ से डिपार्चर हो जाएगी और कल जो है हम 3:40 जम्मू तवी उतर जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेशन हम जम्मू तवी से कटरा जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ, क्या क्या व्यूज़ आते हैं, कौन से विजिटिंग पॉइंट्स हैं, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 3:30 और हम जम्मू तवी पहुँच चुके हैं। अभी 3:30 हम जम्मू तवी पहुँच गए हैं। अभी नेक्स्ट ट्रेन है हमारी जम्मू तवी से कटरा के लिए और ये आप देख सकते हैं एक स्टेशन पे बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको चाय, कॉफी, बिस्किट, एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं आप, ये जन आहार होटल है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, वेटिंग रूम के जस्ट पास में है, तो बहुत अच्छी है। ये खाने पीने का बहुत अच्छा है, यहाँ पे कॉफी है, चाय है, एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसका पूरा व्यू किस तरीके से दिख रही है। सो गाइज, अभी कटरा के लिए मेरी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है जो कि मालवा एक्सप्रेस है और 4:40 का डिपार्चर टाइम था और राइट 4:40 ये स्टार्ट हो चुकी है। तो अप्रॉक्स 2 आवर्स के अंदर हम कटरा पहुंच जाएंगे। वहाँ पे पहुंचने के बाद हम होटल जाएंगे, थोड़ा फ्रेश वेश होएंगे, उसके बाद में आगे की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ गाइज। और इसी के साथ में जो रास्ते में जो भी व्यूज़ आएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये ट्रेन स्टार्ट होने के बाद में साइड व्यू है और जम्मू से कटरा जो ट्रेन है वो 2 आवर्स लेती है। अप्रॉक्स 56 किलोमीटर की दूरी है। आप बाई रोड जाओगे तो 1 आवर के अंदर आप पहुंच जाओगे, बट सिंगल लाइन होने की वजह से ट्रेन जो है 2 आवर लेती है, बट बहुत मज़ा आता है। थोड़ी ठंडी भी स्टार्ट हो चुकी है और व्यू भी काफ़ी अच्छा है, तो बहुत अच्छा लगता है। 2 घंटे कैसे निकल जाते पता ही नहीं चलता है। गाइज, अभी चक रखवाल स्टेशन है। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और अभी क्रॉसिंग है तो ट्रेन स्टॉप हुई हुई है, तो मैंने सोचा आपको व्यू दिखा दूँ। आप देख सकते हैं इतना अच्छा व्यू है यहाँ का। और ये रही मेरी ट्रेन, ये देखो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। रखवाल स्टेशन से पहले एक उधमपुर स्टेशन भी आता है जहाँ पे भी साइड व्यू बहुत अच्छा है, तो लोग वहाँ पे फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छे फ़ोटोज़ ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके का ये पूरा व्यू है। सो गाइज, अभी मैं कटरा पहुँच चुकी हूँ। अभी हम थोड़ा बहुत भूख लगी, थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम जा रहे हैं होटल में। तो वहाँ से फ्रेश होके हम जो है वहाँ जाएंगे चढ़ाई चढ़ने के लिए। ये मैं होटल पहुँच चुकी हूँ और ये है हमारा रूम। अब जल्दी से हम फ्रेश हो जाते हैं, फिर हम निकलते हैं वैष्णो माता जी के मंदिर में। अभी हम सब लोग फ्रेश फ्रेश हो चुके हैं और अभी जो टाइम है रात के 10 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं चढ़ाई चढ़ने के लिए वैष्णो देवी। देखिए अभी हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। जय माता की, जय माता की, जय माता की। एंट्री गेट है, यहाँ से आपकी यात्रा स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आपका बैग चेक होता है, प्लस आपको एक फ्री टिकट पास दिया जाता है, वो भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है और वो लेना नेसेसरी है। अगर आप वो नहीं लोगे तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और ये साइड में शॉप्स भी होती है, तो आपको कुछ चाहिए होता है तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके का व्यू है ये।
देखो हम आधे रास्ते पहुंच रहे हैं। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। लोग अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं और थोड़े थक भी चुके हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे फैमिली मेंबर की फेसेस। ये मेरा भाई, उसको तो नींद आ रही है। सो गाइस, अभी हमने माता जी के दर्शन कर लिए हैं। एक्चुअली वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, इसलिए मैं फ़ोन नहीं लेकर गई थी और लगभग 500 मीटर की मैंने और डिस्टेंस जो है कवर कर ली है। अब हम डाउन साइड जा रहे हैं और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ऊपर भैरू जी के दर्शन हमने नहीं किए हैं, वहाँ के लिए रोप वे स्टार्ट हो चुका है, तो आप इजीली रोप वे से जा सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी लंबी लाइन थी इसलिए हम लोग नहीं गए। सो अब हम नीचे जा रहे हैं। सो अब होटल पहुँचेंगे और शाम को कटरा की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। सो आज हम निकलने वाले हैं कटरा से जम्मू तवी। सो हम बाई कार जाएंगे, तो उसमें जितने भी साइट सीन हैं वो भी दिखाएगा हमें टैक्सी ड्राइवर। सो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और अभी आप देख सकते हैं मैंने कपड़े तो पहन लिए हैं, बस अभी मैं जस्ट मेकअप वेकअप करके रेडी हो जाती हूँ। सो हाय गाइस, सो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हम बाय कार जाएंगे कटरा से जम्मू तवी। सो मैं आपको सारे साइड व्यू दिखाती हुई जाऊँगी और सबसे पहले मैं आपको मेरे रूम की विंडो दिखा दूँ। बहुत बड़ी है, यहाँ से पूरा पहाड़ वाला जो भी हिल्स है वो सारी दिखाई देती है। आप देखो ये हमारा सामान पैक हो चुका है और हम कार में बैठ चुके हैं और अब हम कटरा से जम्मू के लिए रवाना हो रहे हैं। तो जो भी साइड में व्यूज़ आएंगे तो मैं आपको दिखाती जाऊंगी और इसमें जो टैक्सी ड्राइवर है वो सारी प्लेसेस कवर करेगा अप्रॉक्स कटरा से जम्मू के लिए, जो भी छोटे मंदिर आते हैं या फिर जो भी साइड व्यू होते हैं वो सब कवर करवाएगा। जनरली 6 सीटर कार के लिए 1700 चार्ज होता है और एसी के लिए 2000 चार्ज होता है और ये आपको इजीली कार मिल जाती है वहाँ पे। तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं वैष्णो देवी के मंदिर, जहाँ पर माता जी छोटी थी तब यहाँ रहते थे ऐसा कहते हैं लोग। तो ये मंदिर है और अगर आप इसके दर्शन करते हो तो आपके पूरे फुल कंप्लीट दर्शन माने जाते हैं वैष्णो देवी के। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कार करके निकले थे, तो हमने काफ़ी सारे मंदिर के दर्शन किए हैं और उसमें से एक मंदिर ये भी है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे कहीं पे फ़ोन अलाउ नहीं होता इसलिए मैं आपको बाहर का व्यू ही दिखा पाऊँगी। सो काफ़ी अच्छे मंदिर हैं यहाँ पे। चारधाम मंदिर है, अपने इंडिया के जो भी चारों तीर्थ स्थल है उनका छोटा प्रारूप यहाँ पे दिखाया गया है। कहते बागे बाहू गार्डन, ये बहुत ही अच्छा गार्डन है और इसके इस गार्डन के टॉप पर फिश एक्वेरियम भी है। तो वहाँ मैं नहीं गई थी क्योंकि हमारा ट्रेन का टाइम हो चुका था, तो इसलिए मैं सिर्फ गार्डन का ही शूट कर पाई हूँ। गार्डन के लिए 25 रुपीज़ पर टिकट चार्ज है और पार्किंग के लिए 10 रुपीज़ चार्ज है। बहुत ही अच्छा गार्डन है फोटोग्राफी के लिए और आप ये चाहो तो यहाँ पे कैमरामैन रहते हैं तो आप कश्मीरी ड्रेस के साथ में भी फ़ोटो खिंचवा सकते हो। गाइज यू कैन सी, आप पीछे का व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा है। ये बहुत ही अच्छा गार्डन है जम्मू का, तो आप पीछे से व्यू देख सकते हैं। ये बलिदान स्तंभ है, ये कारगिल के युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान में बनाया गया है। जम्मू से दिल्ली के लिए मेरी ट्रेन थी, उसके बाद में दिल्ली टू गोवा और गोवा टू हुबली मेरी फ्लाइट थी, तो बस यहाँ पर मेरी ट्रैवलिंग ख़त्म होती है। और
ऑलमोस्ट 8 o'clock मैं घर पहुंच जाती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, और कोई क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हो। थैंक यू गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।